नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवाइस कराना में। आज मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रीय पान मसाला के बारे में कि यह पान मसाला कितने रुपए में आपको पड़ेगा, यह इसके अंदर कितने पाउच निकलते हैं, कितने रुपए की इसकी होलसेल प्राइस है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन रहता है कि जो लोग भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा व्यू मिले। ये चैनल अभी नया चैनल है, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को थोड़ा सा फेमस करवाएं, इसका व्यू बढ़वाएं। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पान मसाला या गुटखा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको किराना में रखने पर हमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। राष्ट्रीय पान मसाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन है, इसको बेचने पर आपको सबसे ज़्यादा फायदा होती है। ऐसा और कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, जितनी फ़ायदा आपको इसमें मिलेगी उतनी फ़ायदा आपको किसी प्रोडक्ट को बेचने में नहीं मिलती है। तो आज मैं आपको इसकी ओपनिंग करके बताता हूँ, अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। तो इसके अंदर 12 पाउच निकलते हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के दोस्तों 12 पाउच निकलते हैं। 1, 2, 3, 4 इस तरह के पूरे 12 पाउच निकलते हैं दोस्तों इसके साथ अंदर, और 12 पाउच दोस्तों इसके अंदर निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह के 12 पाउच इसके साथ में निकलते हैं। ये पूरा कॉम्बो पैक आता है साथ में, आपको एक ये और एक ये 20 रुपए में बेचनी होती है। इसका पूरा होलसेल में अगर आप ये पूरा परचेस करते हैं तो ये आपको 185 रुपए का पड़ता है पूरा, ये और ये आपको 185 रुपये का पड़ेगा, जिसमें 12 इसमें निकलेंगी राष्ट्रीय और 12 इसमें तंबाकू इसके साथ में मिक्स करने वाली निकलती हैं। उसको आपको 20 रुपये में दोनों को बेचना होता है, जिसको आप दोनों को बेच के आपके बनती हैं 240 रुपये। यानी कि दोस्तों इसको आपको पूरा बेचने पर आपको मिलते हैं पूरे 55 रुपये। राष्ट्रीय गुटखा ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। तो दोस्तों यह आपको होलसेल में 185 रुपये का पड़ता है। जिनको भी ये वीडियो पसंद आए वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।